नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे किस तरह से आप अपने हाथों से भगवान श्री जगन्नाथ जी के लिए उनका सुदर्शन बना सकते हैं। तो देखिए किस तरह से मैंने एक लकड़ी के टुकड़े को पेंट करके खुद अपने हाथों से डिज़ाइन बना के भगवान श्री जगन्नाथ जी का सुदर्शन चक्र बनाया। तो पुरी के जगन्नाथ भगवान के पास इस तरह से एक सीधी, एकदम बिल्कुल एक स्ट्रेट लकड़ी से बनी हुई, नीम की लकड़ी की बनी हुई सुदर्शन जी रहते हैं। तो हम नीम की लकड़ी तो नहीं ला पाए, लेकिन हमने एक लकड़ी की दुकान से एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर के उसे पेंट करके खुद अपने हाथों से अपनी श्रद्धा भक्ति से मैंने ये डिज़ाइन बना करके भगवान श्री सुदर्शन को अपने हाथों से बनाया। क्योंकि मेरे जो जगन्नाथ जी थे, सुभद्रा माता थी, बलभद्र जी, इनकी जो मेरे पास मूर्ति है, उनके पूरी मूर्तियों की मूर्ति तो हम 2 साल से है, लेकिन सुदर्शन जी नहीं थे। तो इस साल मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने हाथों से ही उनके लिए सुदर्शन बना करके उन्हें भेंट करूं। तो जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए मेरी भेंट है सप्रेम मेरे स्वामी जगन्नाथ जी को। तो वीडियो अंत तक देखिएगा कि किस तरह से मैंने सुदर्शन जी बनाए, सुदर्शन जी का डिज़ाइन किया और फिनिशिंग टच किया। ना ही सिर्फ मैंने जो फ्रंट पोर्शन है, जो कि सामने का हिस्सा है इस लकड़ी का, इसको डिज़ाइन किया, बिल्कुल साइड में भी मैंने, ऊपर में भी बिल्कुल डिज़ाइन किया है। तो बहुत ही सुंदर दिख रहा है, मुझे तो लग रहा है जैसे कि हमें कमर्शियली जो मिलता है उससे भी बहुत सुंदर दिख रहा है। क्योंकि मेरे पूरी भावना से मैंने, बहुत ही मेरे अपने प्रेम से मैंने ये सुदर्शन चक्र अपने प्रभु जगन्नाथ जी के लिए बनाया है। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा दोस्तों। तो किस तरह से स्टेप बाय स्टेप मैंने ये बनाया है, आप देखिए इस वीडियो को कि चक्र के डिटेल्स कैसे दिए। सुदर्शन चक्र को पूरी में नीला चक्र भी बोलते हैं। आपको पता ही होगा जिस तरह से आप जगन्नाथ मंदिर के आप बिल्कुल ऊपर देखिए, जहां उनकी ध्वजा लहराती है, ध्वजा के नीचे ही नीला चक्र स्थापित है। तो बिल्कुल वही डिज़ाइन मैंने अपने सुदर्शन जी के लिए जो बनाया है, देखिए आप वीडियो में। आशा है आपको पसंद आ रहा है वीडियो। अब हम अपने सुदर्शन चक्र जी को फिनिशिंग टच दे रहे हैं, जिससे कि जहाँ पे हमने पीले रंग का यूज़ किया, जो शुभ रंग है, सफ़ेद, लाल, पीला, हमने उसका यूज़ किया। अब हम साइड का डेकोरेशन भी कर रहे हैं किस तरह से, जिससे कि पूरा जो सुदर्शन चक्र है हर तरफ से बहुत ही सुंदर दिखे भगवान जगन्नाथ के समक्ष, वो अपने पास इस मेरी यही मतलब प्रार्थना है कि हे भगवान, मेरे हाथों से बनाया हुआ सुदर्शन चक्र आप स्वीकार करें और मेरी पूजा भी स्वीकार करें। अब हम बिल्कुल फाइनल डिज़ाइंस दे रहे हैं, जिससे कि सुदर्शन चक्र और भी सुंदर लगे। ये तो फिनिश प्रोडक्ट देखिएगा कैसा लगेगा, बिल्कुल फाइनल लुक वीडियो के अंत में फाइनल लुक आपको दिखेगा।
दोस्तों वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल का साथ दीजिए। अभी हम फाइनल अपना लुक देखते हैं कि सुदर्शन चक्र बिल्कुल पूरा हो चुका है, तैयार हो चुका है। एक शंख का डिज़ाइन भी हमने दिया। आशा है आपको पसंद आया है दोस्तों ये वीडियो। थैंक यू सो मच।